मदिरा पान करके वाहन चलाते हैं तो है नहीं ना आप में? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता था, बीड़ी पीता हूँ बस। क्या बोला? अच्छा बधाई हो आपको जी। ये ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, रात में ऐसा देखने में आता है कि वाहन चालक मदिरा पान करके वाहन चलाते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। कैसे होती है प्रक्रिया पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग ना करें। इनकी डिटेलिंग मिल गई, पूरी डिटेल हो रहा है जी। ऐसी कोई आदत तो है नहीं ना आप में? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता था, बीड़ी पीता हूँ बस। क्या बोला? बीड़ी पीता हूँ बस, हो गया और कोई नशा नहीं अपने पर। अच्छा बीड़ी पीते हैं? बीड़ी को आप नशे में नहीं गिनते? गिनते हैं, लेकिन हो गया जब कभी ऐसे लगा कि इसमें करके जैसे फूंकते हो ऐसा काफी देर तक ऐसा पूरा मुंह लगा के मुंह डालो इसमें, फिर डालना पड़ेगा। सांस फूले लाग नहीं अनिल नील है जी सर। बहुत अच्छा बधाई हो आपको जी जी। आप मदिरा पान करके नहीं चल रहे हैं, आगे आ जाइए थोड़ा। ये तो मदिरा पान पानी ले ले ना करने के लिए, नशा मुक्त होकर के चलने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बीड़ी को आप नशे में नहीं लेते? नहीं लेते, लेकिन सर इसको भी नहीं पीना है, नहीं करेंगे। पक्का? पक्का नहीं करेंगे इसको भी। कब से नहीं करोगे आप? अरे जब कहीं जैसे खाना खाया तो अभी ऐसे लेके कहीं से पी लिया, बाकी ऐसा नहीं है। अपने याद आती की पीते रहे। अच्छा तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कहना चाहता हूँ सर जी कि ये नशा है, बीड़ी भी धूम्रपान है। हाँ। तो यही कह रहा था सर जी कि बीड़ी भी धूम्रपान नशा है, उसमें से भी इंसान लोगों को कैंसर होता है, उसमें भी चेतावनी लिखी रहती है उसके पीछे। फिर भी आप पीते हैं? नहीं, हो गया सर जी पीते कि जैसे कभी बताया ना कि जैसे खाना खाया तो कभी ऐसा अमल लगा तो कभी पी ले, लेकिन ये अच्छी चीज अच्छी चीज नहीं है। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोग देखेंगे जी सर जी, हमें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीड़ी भी धूम्रपान है, ये ड्राइवर पी के नशा करके कभी ऐसा ना करें आप, और अपने को भी रखें और दूसरे को भी सुरक्षा रखें। अच्छा कुछ ड्राइवर जो है चप्पल पहन के गाड़ी चलाते हैं जी, इससे बहुत परेशानी होती है कभी कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाते समय, एकदम से अगर ब्रेक लगाना पड़ा जी, हाँ जी। तो समस्या हो जाती है जी, हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब ऐसे लोगों के लिए सर जी, अब ऐसा है कि सेफ्टी शूज तो बनाए है सर जी, है ना, वैसे सेफ्टी शूज उनको पहन के, नहीं भी सेफ्टी शूज पहनते तो कोई भी नॉर्मल शूज तो पहने ही कम से कम पहन ही सकते सर जी, है ना जी सर। चलिए बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस से आपको क्या परेशानी है? पुलिस से हमारा कोई परेशानी नहीं है, पुलिस रोकती है, जांच करती है जी, हाँ, हम तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर जी? उनको पूरा कागजात दिखाना चाहिए, पुलिस बोलती है कि अपना फाइल लाओ परमिट लाओ, तो सर दिखाना चाहिए इसमें, जब हमारा काम सब सही हो दिखाना चाहिए सर, है ना जी। हाँ तो सब अपने ड्राइवर भाइयों से एक अपील कर दीजिए जी, हमारे ड्राइवर भाइयों से मेरा यही अपील है कि जो जो अपना हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं, तो उनको कभी भटकाया ना जाए, दिखाया जाए जी सर। भी पढ़ा लिखा इंसान सर, भी फार्मी फर्स्ट क्लास किया हूँ, लेकिन ना कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिलने के कारण आज ये लाइन और ये पोजीशन हमारी है। क्या बात है, तो आप इसी कर्म ही पूजा है? कर्म ही पूजा सर, सभी ट्रक में लिखा रहता पीछे कर्म ही पूजा है सर जी, या फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर जी, है ना जी। हमारे पास चावल दाल भी रखा है, अगर हम हाथ को नहीं ऊपर नीचे करेंगे तो भोजन हमारे अंदर नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना जी, हाँ। अपने काम का सम्मान करिए, मैं सम्मान करता हूँ आप सभी ड्राइवर भाइयों का, जिनकी वजह से चीजें मार्केट तक आती हैं, दूर दूर से आप लोग लेकर के आते हो, परिवहन करते हो जी, हाँ, जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिश्रा जी, जी मैं आशा करूंगा कि आपकी इस सीख को लोग सिरोधार करेंगे, स्वीकारेंगे, अमल करेंगे उस पर जी, सर। है ना जी, सर। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, आप जा सकते हैं, थैंक यू।